नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 8, 9, 10 और 11 मार्च का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दसवीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। 8 मार्च के दिन आपकी छोटी सी यात्रा हो सकती है, किसी ऐसे रिलेशनशिप में आपका जाना हो सकता है या कोई रिलेटिव आपके यहाँ आ सकता है जिससे आप पिछले काफ़ी समय से नहीं मिले थे। अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ समस्या आ गई थी और उस समस्या को आप सुलझाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो 8 मार्च को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 मार्च के दिन लोगों का, परिवार का और अपने मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। 9 मार्च को आप काफ़ी उत्सुक रहेंगे, अपनी उत्सुकता आप छिपा नहीं पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना ज़्यादा सक्सीड होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। 9 मार्च के दिन आप धन से संबंधित मामलों में कुछ ऐसे रहस्य जान पाएंगे या कुछ ऐसे जरिए आपको मालूम पड़ सकते हैं जिनसे आपको ये पता चले कि अपनी इनकम को बढ़ाने का या अपनी इनकम का एक दूसरा रास्ता खोजने का तरीका क्या है। 10 मार्च अच्छी तिथि नहीं है लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है। पहले बात करते हैं अच्छी क्यों नहीं है। 10 मार्च को आपको कोई बुरा समाचार मिल सकता है, कोई ऐसा समाचार भी प्राप्त हो सकता है जो आपको बड़ा दुख दे, अंदर तक झकझोर दे। आपके परिवार में अगर कुछ बुजुर्ग सदस्य हैं जिनके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको कुछ बुरे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपका एक रिलेशन खत्म हो सकता है 10 मार्च को। अब इसमें अच्छा ये है कि ये सारी बुरी चीज़ें सिर्फ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ से इन चैप्टर्स को क्लोज होना है। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ से हटेंगी नहीं तो आपकी लाइफ में परिवर्तन नहीं आएंगे। 10 मार्च को आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, जब आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो और दूसरा चैप्टर ओपन होना शुरू हो जाए। शुरुआत में आपको ये बुरा लगेगा, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत दुख व दर्द महसूस होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ईश्वर की कृपा या ईश्वर की मर्जी मान करके 10 मार्च को स्वीकार करने की कोशिश करिएगा। 11 मार्च के दिन धन को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में आवे। आपको धन के लैक का, उसकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिया गया धन, उधार दिया गया धन फंस सकता है। आपको ऐसे मैसेज मिल सकते हैं कि देनदार अब आपके पैसे को नहीं लौटा रहे या बहुत ज़्यादा टालमटोल कर रहे हैं, या आप ऐसी सिचुएशन में भी आ सकते हैं जहां आप खुद स्टक हो जाए और आपको ही उधार मांगने की जरूरत पड़ जाए। कोशिश करिएगा कि 11 मार्च के दिन उधार ना लेना पड़े और 11 मार्च के दिन उधार ना देना पड़े। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 10 मार्च बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी तीनों दिन सामान्य है। ठीक इसी प्रकार से 10 मार्च व्यापार के लिए भी बढ़िया नहीं है, बाकी तीनों दिन सामान्य है, लेकिन 8 मार्च सबसे अच्छा है व्यापार के लिए। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 8, 9, 10 और 11 मार्च के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।